के विंग के इंचार्ज और खवातीन की रहनुमा जो अमेरिका से आई है, मैं उनको दावत खिताब दूंगा। डॉक्टर शहनाज खान साहब, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत दाद देती हूँ कि आपने इतनी मेहनत और इतने सालों के बाद भी अपनी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। खास तौर से मैं बहनों से मुखातिब होकर कहूँगी कि उनकी हिम्मत की वजह से ये तहरीक अभी तक जारी है और जिंदा है। और आप लोग जब तक, एक बात मैं कहूंगी कि जब तक आप लोग मुत्तहिद रहेंगे और इकट्ठे रहेंगे, तब तक आप लोग अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। जिस दिन आप लोगों में फूट पड़ गई या आप लोग एक दूसरे के साथ उस तरह से आप नहीं चले, तो आपका ये सारा मुतालबे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुत्तहिद रहना है और मिलजुल के, और आपने मजदूरों, किसानों सबके साथ मिलकर आपने अपने मुतालबात पूरे करवाने हैं। दूसरी बात ये कि हम बराबरी की बात करते हैं। बराबरी का मतलब ये है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब और किसी भी नेशनैलिटी का हो, उसको ये हक है कि उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हो, उसको इतने ही वसाइल मुहैया हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको इस काबिल कर सके कि वो इस दुनिया में अच्छे इंसान बन सके, उनको तालीम का हक हो, उनको सेहत की फैसिलिटीज हो, और उनको जो भी ज़रूरत है इंसानों की वो पूरी होनी चाहिए। तो हम बराबरी की भी बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जब तक दुनिया में जो 80% मेहनत कश हैं, जब तक के वो नहीं खड़े होंगे उठ के और अपने मुतालबात नहीं मांगेंगे, तब तक जो रूलिंग क्लास है या जो हुक्मरान तबका है, वो आपको अपने हकूक नहीं देगा। आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी के मुतालबात और किसी के हकूक उनको वैसे ही दे दिए जाएं। उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जो कि आपने उठाई है, तब तक उन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। दुनिया की तारीख में कभी वो लोग कामयाब नहीं हो सकते जो सिर्फ बैठे रहें और जो अपने मुतालबात और अपने हकूक के लिए आवाज़ ना उठाएं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग मुत्तहिदा रहें, आप लोग बराबरी, सब इंसानों की बराबरी की बात करें और अपने मुतालबात इंशाअल्लाह आपके ज़रूर पूरे होंगे अगर आप अपने इस पे मौक़िफ़ पे डटे रहे। तो बहुत मेहरबानी, और दोबारा से खवातीन और बहनों से मेरी बहुत उनसे मेहरबानी है कि वो आई हैं और इस जद्दोजहद में शरीक हुई हैं। बहुत शुक्रिया जी।